राजधानी लखनऊ में प्रधान पति मुक्त पंचायत अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर शीला मिश्रा विभाग अध्यक्ष सांख्यिकी विभाग व अध्यक्ष मिशन शक्ति की अध्यक्षता में हुई है। और समाज में ले जाने का एक गंभीरता के साथ प्रयास किया, तो सभी हमारे मंचस्थ साथी तथा जो सभा में बैठे हुए सभी हमारे विद्वत जन है, मीडिया के लोग है, उनको मेरा नमन प्रणाम। आज का विषय जो है उस पर हम चार सी की बात करेंगे। Whether we are conscious what is happening around us, consciousness बहुत जरूरी है और हम सभी conscious हुए कि ये प्रधान पति, प्रधान ससुर, प्रधान पुत्र इसके बारे में conscious हुए। अगला step हमारा ये है, are we concerned? क्या हमें इसकी चिंता है? तो जी, हमें चिंता है, इसीलिए हम आज यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसका next सी, third सी आता है commitment। हमारा commitment कितना है इस विषय पर गंभीरता से काम करने का? कमिटमेंट भी है और इसीलिए हम सभी एक साथ आए हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ जब तक हमारी कैपेसिटी नहीं है, जब तक हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तब तक उसका जो प्रभाव है वो समाज में दिखाई नहीं पड़ेगा। अब कॉम्पिटेंसी किस लेवल की चाहिए और किसकी चाहिए जिससे कि समाज में परिवर्तन आए, ये एक गंभीर विचार का विषय है। महिलाओं के जहां तक नेतृत्व की बात है और उनकी क्षमता की बात है, उनके पास कुछ बैरियर्स होते हैं। पहला बैरियर है उनका पर्सनल बैरियर, उसको हम समाज से नहीं दूर कर सकते। पर्सनल बैरियर में एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे किसी हाथी के बच्चे को डोरी से बांध दिया बचपन में, और फिर बड़ा होकर के भी वो यही समझता है कि वो उस डोरी को तोड़ नहीं सकता और वो पूरी तरह से पराधीन जिंदगी बिताने लगता है। ये होती है उस पर्सनल लिमिटेशन को एक्सेप्ट करने की बात जो हमारे यहाँ की महिलाओं में देखने को मिलती है। इसके साथ दूसरा हमारा होता है सोशल बैरियर, सामाजिक बैरियर। प्रधान ही बोले संविधान से वो गलत प्रधान है, क्यों प्रधान पति प्रधान ससुर करके उनको सैनिटाइज करके, अच्छा आपको भी लगा, वीडियो को भी लगा, सब लोगों को भी लगा, क्योंकि हमसे ही वो नाम नीति ने इवेंट किया है ना, ये प्रधान पति वो अच्छा लग रहा है, पति है, राष्ट्रपति है, प्रधान पति है, अच्छा लग रहा है, तो उनको गलत बना दो, वो आपका कलम से निकालना है, आपका कलम से आपको किसने ठीक किया उसी कलम से उनको गलत बना दो, ये सारा प्रधान को गलत प्रधान मिला, गलत प्रधान हो कोई मेरा ये अच्छा नहीं है कुछ भी, बस गलत होना है, सही मत कर। आप तो ये सही कह रही थी कि प्रधान पति उस तरह से आ रहा है, गलत प्रधान उस तरह से आ रहा है, लेकिन चक्कर के ना वहाँ तो ये ऐसी महिला जिसके कारण चुनाव में बाधा आ गई है, तो योग महिला ही नहीं खड़ी हो पा रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, आरक्षण में हर एक तरह के वर्गों का आरक्षण है और कुछ वर्गों के आरक्षण में जो स्थानीय जो वहाँ की पंचायत है उतने उतनी आबादी नहीं है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि उस तरह के उम्मीदवार नहीं प्राप्त हो रहे, उसी से संबंधित ये मुद्दा है और आज उस पर निश्चित रूप से कुछ निर्णय होने वाला। अगर योग्य महिला ना मिले किसी सीट पे तो क्या हम उसको खड़ा करना चाहिए, समान सीट करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा है कि महिलाएं नहीं मिल रही है, वो वर्ग विशेष का जो आरक्षण जो देखा गया है वहाँ पर, अगर मान लीजिए ST के नाम से आरक्षण है और अगर ST का अगर बहुत वहाँ पर आबादी नहीं है तो दिक्कत खड़ी होती है। जो आज याचिका दायर करी जा रही है उसका क्या उद्देश्य? देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत अभी गहराई से जानकारी नहीं है, पर जो आरक्षण है वो कई बार वर्ग विशेष आरक्षण भी है, तो जो उपलब्ध जो उस आबादी में जो उपलब्धता है उसको लेकर कुछ समस्या है और मुझे लगता है कि उस पर आज निश्चित रूप से क्लैरिटी आ जाएगी। प्रधान पति के ऊपर आपने किया है कि प्रधान पत्नी, अगर प्रधान है तो पति प्रधान लिखा जाता है, उसके लिए आपने कौन सी किस क्या मिशन कहाँ तक याचिका है? देखिए, हम लोगों ने याचिका तो दायर नहीं की है क्योंकि हम लोगों ने पूरा एक कैंपेन शुरू किया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये समय है कि सरकार, राजनीतिक पार्टियाँ और दूसरे लोग जो हैं इस बात को समझें कि 27 साल बाद भी महिलाएं चुन तो ली जाती हैं पर प्रधान के रूप में वो काम नहीं कर पाती, पति प्रधान काम करता है ना, सरपंच पति काम करते हैं,
ये एक सामाजिक कुव्यवस्था जो है प्रचलन में आ गई और धीरे धीरे अब स्वीकार हो रही है। सरकारी अधिकारियों के द्वारा या दूसरे बैठकों में भी अब इसे स्वीकृत किया जा रहा है। ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। अगर महिला प्रधान के रूप में चुनी गई है तो ये संवैधानिक उसका अधिकार है कि वो अपनी पंचायत की भूमिका निभाए। पति उसको इस भूमिका को निभाने में सहयोग करे, न कि उसके बदले में उस नेतृत्व को खुद करने। आपकी संस्था ने क्या इलेक्शन कमीशन को कोई नोटिस या कोई आवेदन पत्र दिया है? हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ लगातार ये बात की है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान संचालन किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर इसको उठाया गया था। पर कहा यह गया कि भाई जब चुनने चयनित महिला जो हैं, चयनित होना वहाँ तक तो स्थानीय लोगों की जवाबदेही है, तो ये इसलिए जो चुनते हैं उनके अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए। पर हम लोगों ने इस वर्ष महसूस किया कि इसके साथ साथ ये सरकार की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनकी भी जवाबदेही है कि वो जिन महिलाओं को आगे जाने देना चाह रहे हैं, चुनने जा रहे हैं, उनको देखें कि क्या वास्तविक रूप में वो भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।